जिस उम्र में बच्चे अपने मम्मी पापा से लैपटॉप स्मार्टफोन टॉयज की जिद करते हैं उस उम्र में रब से दो वक्त की इज्जत की रोटी मिल जाए बस इतनी दुआ करता है। जब मम्मी राशन मांगने जाती है तो मुझे बहुत बुरा लगता है, लोग मना भी कर सकते हैं तो मुझे बहुत गुस्सा भी आता है और रोना भी आता है। मैं बड़ा बेटा हूँ ना, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं सबका सब अच्छा कर दूँ। जैसे बच्चे डिमांड करते हैं कुछ लेने के लिए, जैसे एक दूसरे की तरफ कपड़े देखकर बोलते हैं या शूज देखकर बोलते हैं, कभी भी किसी चीज़ की उसने डिमांड नहीं करी मेरे बच्चे ने। मैं तो कहती हूँ हे भगवान, जैसे बच्चे मेरे हैं ऐसे बच्चे भगवान सबको दे। उसके मन में बस यही है कि मैंने बस किसी तरीके से मेहनत करके मैंने आगे निकलना, मैंने अपने मम्मा पापा को सुख देना है। श्रवण बेटा ही है हमारा। लोग मुझे कहते हैं कि तेरी औकात नहीं है, औकात कुछ बड़ी चीज होगी जो हमारे पास नहीं है। नमस्कार मैम। नमस्कार। अरे वाह, आज तो आपके चेहरे पे स्माइल दिख रही है, क्या बात है, वेरी नाइस, सो हैप्पी टू सी यू स्माइलिंग। अब मुझे बताइए कि आप कैसे हैं, आपने जब सर्टिफिकेट जीता तो कैसे सेलिब्रेट किया? मैम मैं बताऊं आपको, जैसे कि इन्होंने जब सर्टिफिकेट सब बच्चों ने जीता तो सब अपने घर गए खुशियां मनाने के लिए, ये नहीं गए थे। मैंने इनसे बोला भी था कि अगर कुछ पैसों की ज़रूरत है तो मैं दे देता हूँ आपको, तो मुझे साफ मना कर दिया मैम, इन्होंने बोला कि नहीं सर मैं ऐसे पैसे नहीं लूँगा आपसे, जो भी करना चाहूँगा अपने खुद के दम पे करना चाहूँगा, अपने खुद के पैसों से करना चाहूँगा। इतना खुददार बच्चा है मैम, तो मैं इनको अपने एक कॉन्सर्ट में लेकर गया था, क्योंकि मैंने सोचा था कि ये वैसे तो मुझसे पैसे लेगा नहीं। इसने आज बहुत ही कमाल गाया है लोगों के सामने। जब इसने गाया तो लोग ताजुब में पड़ गए कि यार ये बच्चा क्या गाता है। इसने जो पहला अलाप लिया लोग पागल हो गए। वहाँ पर इसने बहुत ही कमाल का गाया। मैं 2018 में चला गया था, अपने बैकग्राउंड में चला गया था, कि मुझे आज भी याद है कि जब मैं इंडियन आइडल में आया था, मैं भी ऐसे आया था, आपने इतने लोगों की हेल्प करी मैम, जिनमें से एक मैं भी हूँ, आपने मेरे घर का खर्चा चलाया था इस मंच पे, आप हमारे लिए थे, अब हमने ये सीखा कि हम भी किसी की मदद करेंगे। कसम खाली मैंने, कसम खाली। बेटा आपको जब पहली अपनी परफॉर्मेंस से फीस मिली, आपने उसका क्या किया, उसको कैसे यूज किया? हमारे यहाँ पर रिवाज है जो अपनी पहली जो कमाई होती है वो हम अपने मेंटर को देते हैं, अपने गुरु को। अच्छा, जो सलमान सर मेरे गुरु हैं तो पैसे उनको देना चाहूँगा मैं। कसम खाली। मैं तो चला चाहे मेरा सारा भी संग ना चले। कसम खाली मैंने, कसम खाली। ये दुआ करूँगा कि जो भी इसकी लाइफ में जितनी भी परेशानियाँ हैं सब ख़त्म हो जाए, और ये इतना पैसा कमाए, इतना नाम कमाए कि ये अपना पैसा संभाल भी ना पाए, और अपने माँ बाप को हमेशा खुश रहते। बेटा बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि बहुत अच्छा गाना, बेस्ट ऑफ लक। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, click the show links and enjoy watching the videos.